दोस्तों समुद्र के किनारे सभी लोग गर्मियों का मजा ले रहे होते हैं कि तभी इस आदमी को कुछ दिखता है और ये एक बहुत बड़ी शार्क मछली है जो कि नॉर्मल शार्क से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ये बात बाकी लोगों को भी पता चल जाती है कि पानी में शार्क मछली है और ये सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं और पानी से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन तभी ये होता है, शार्क मछली इन लोगों पर अटैक कर देती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और अब पानी के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन सभी को जल्दी से पानी से बाहर निकलना होगा कि तभी शार्क मछली को व्हेल मछली की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही शार्क मछली व्हेल के पीछे चली जाती है उसे खाने के लिए। लेकिन ये व्हेल की नकली आवाज ये लोग निकाल रहे होते हैं ताकि व्हेल की आवाज से इस शार्क मछली को पकड़ सके और बाद में उसे मार भी दे, नहीं तो ये शार्क पानी में रहने वाले हर एक जीव को मार डालेगी। और अब शार्क इस आदमी के पीछे पड़ गई है और इसका पीछा काफी दूर तक भी करती है। शार्क के अटैक से अब ये बचने वाला नहीं है कि तभी इसकी दोस्त शार्क पर बम से हमला कर देती है जिसमें शार्क थोड़ी सी घायल हो जाती है। लेकिन शार्क फिर से अटैक करने आती है और ये आदमी भी तैयार है शार्क पर अटैक करने के लिए, लेकिन इसका बम अटक जाता है और फिर शार्क ही इस पर अटैक कर देती है। आसमान में उड़ रहे दो हेलीकॉप्टर ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लेकिन पायलट का सारा ध्यान पानी में चल रही लड़ाई पर होता है और फिर उनके साथ ये होता है।